नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे किस प्रकार से दूधी हमारे घूनी और बादी दोनों बवासीर को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, एक बेसिक सी जानकारी है कि आखिर बवासीर क्यों होता है, बवासीर कितने प्रकार का होता है और बवासीर को कैसे ठीक कर सकते हैं छोटी छोटी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके। इन सब के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पेट में लंबे समय से गैस कब्ज बने और वो फास्ट फूड का सेवन करे तो वो धीरे धीरे चल के बवासीर का रूप ले लेता है। और बवासीर आखिर कब हम ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, जिन लोगों के पेट में जो गैस कब्ज बन रहा है, सबसे पहले उसका इलाज करना होगा और फिर आप अपने बवासीर का इलाज करेंगे, तब जा कर के आपकी बवासीर की समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से दूधी की पौधे से हम दोनों समस्या को एक बार में ही ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बेहद ही अहम ही जानकारी है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप खूनी बवासीर की समस्या से परेशान हैं, सबसे पहले आप अपने भोजन में ज़रूर परिवर्तन करिए। आप बिल्कुल सादा और सिंपल भोजन करिए, साथ ही साथ आपको फास्ट फूड ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। साथ ही आपको ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं दूधी का पौधा, इसे बिल्कुल महीन पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ इसे आधा ग्लास पानी में एक चम्मच की मात्रा में मिला करके और फिर आपको रोज़ाना सुबह में खाली पेट इसे पीना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खूनी बवासीर की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि आप 15 दिनों से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। आप जिस दिन से भी इस्तेमाल करें, आपको जब भी लगे कि आपको इससे कुछ राहत मिल रहा है तो आप धीरे धीरे एक एक दिन अल्टरनेट इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद से अब जान लेते हैं कि आखिर मस्से वाले बवासीर को कैसे ख़त्म करेंगे। दोस्तों, जो मस्से वाले बवासीर होते हैं उसके लिए ये नुस्खा बेहद ही कारगर है। कुछ भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी दूधी के पौधे को जब आप बीच से तोड़ते हैं तो वहाँ से सफ़ेद लिक्विड यानी कि दूध निकलता है। उसी दूध को आपको अपने मस्से वाले बवासीर के ऊपर हाथों से रात्रि में सोते वक्त लगाना है। अगर आप लगातार ऐसा लगाते हैं 10 से 12 दिन तो आपके जो मस्से हैं वो झड़ कर नीचे गिर जाएंगे। अगर मस्से के वजह से खुजली होता है, दर्द होता है या किसी भी प्रकार की और भी समस्या होता है तो वो भी समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको इन दोनों बवासीर को ख़त्म करने का तरीका तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है। आप जब भी इस दूधी का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले उस दूधी के पौधे को घर पर तोड़ कर लेकर आएं और उसे बिल्कुल फ्रेश पानी से धोकर साफ कर लें। साफ करने के बाद ही आपको बीच से तोड़ करके उसका दूध निकाल के अपने बवासीर के ऊपर लगाना है या आप उसे पीसकर उसका पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप हल्का भोजन करें, बिल्कुल सुपाच्य भोजन करें, ऐसा भोजन करें कि बिल्कुल आसानी से आपके पेट में जा करके पच जाए। अगर आपके पेट में भोजन नहीं पचेगा तो फिर वो आपके पेट में गैस और कब्ज की समस्या पैदा करेगा और फिर आपको वो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बिल्कुल अहम जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को इतना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग इस समस्या से परेशान है तो उससे छुटकारा वो लोग पा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। हम आपसे मिलेंगे नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।